नमस्कार, मैं हूं आकाश सोनी। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा डिबेट शो हम तो पूछेंगे। त्र्यंबकेश्वर मंदिर और शनि शिंगणापुर मंदिर में मिली कामयाबी के बाद भूमाता ब्रिगेड ने ऐलान किया है कि अब वो मुंबई की हाजी अली दरगाह में प्रवेश करेंगी। तृप्ति देसाई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 28 अप्रैल को हाजी अली दरगाह पर जाने की जानकारी दी है और इस ऐलान के बाद शिवसेना के स्थानीय नेता हाजी अराफात ने उन्हें चप्पल का प्रसाद देने का ऐलान किया है। उनकी इस जुबान पर महिला संगठनों ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। पहले देखिए ये रिपोर्ट और उसके बाद खास मेहमानों के साथ करेंगे इसी मुद्दे पर बड़ी बहस। हम तो पूछेंगे में आज बड़ी बहस, मुंबई का बदजुबान हाजी सैयद पीर हाजी अली शाह बुखारी के इस दरगाह से कहते हैं कि कोई मायूस नहीं लौटता। कहते हैं पूरे दिल और साफ मन से मांगी गई मुराद यहां जरूर पूरी होती है। लेकिन इस पाक दरगाह को लेकर नौबत ये आ गई है कि जूते चप्पल चलाने की बात नेता कह रहे हैं। इनसे मिलिए, ये हैं हाजी अराफात। इनके नाम में पाक हाजी शब्द भले ही जुड़ा हो, लेकिन इन्हें महिलाओं के हाजी दरगाह जाने की सुबुगाहट इतनी नागवार गुजरी कि ये जूते चप्पल चलाने के लिए तैयार हो गए। कुछ जगहों पे ये भी रिपोर्ट किया गया कि आपने कहा कि अगर वो घुसने की कोशिश करते हैं या मजार शरीफ को हाथ लगाने की कोशिश तो चप्पलों से स्वागत होगा उनका। बिल्कुल, अगर कभी इस तरीके से अगर मजार शरीफ पे मेरी मांग नहीं है, ये हजारों लाखों मुस्लिम महिलाओं की मांग है। बकौल अराफात मुंबई में फिलहाल शांति है, लेकिन तृप्ति देसाई माहौल बिगाड़ना चाहती हैं। आस्था के नाम पर बदजुबानी का जवाब भी अब सुन लीजिए। तो शिवसेना महिलाओं की यही इज्जत करती है क्या? तो आप जो है अगर इससे सहमत नहीं है तो हाजी अराफात शेख को जो है वो तुरंत उन्होंने शिवसेना पार्टी से निकाल देना चाहिए। हाजी अराफात के इस बयान पर महिला संगठनों ने कड़ा ऐतराज जताया है। जो वो चप्पल उठवाएंगे महिलाओं से तृप्ति को मारने के लिए, वो चप्पल एक दिन शायद उनको भी लगाई जाएगी। अराफात जी को पहले अपने मुंह पर चप्पल मारनी चाहिए अगर वो इस किस्म की बातें महिलाओं के लिए कर रहे हैं। इधर विवाद बढ़ता देख शिवसेना ने हाजी अराफात के बयान से किनारा कर लिया है। हालांकि तृप्ति देसाई के खिलाफ कुछ मुस्लिम महिलाओं ने प्रदर्शन भी किया, लेकिन वही बॉम्बे हाईकोर्ट में महिलाओं के प्रवेश पर रोक के खिलाफ एक याचिका भी लंबित है, क्योंकि 2011 तक वहां प्रवेश पर रोक नहीं थी। ऐसे में हम तो पूछेंगे, क्या हाजी अली दरगाह में महिलाओं के प्रवेश का विरोध करने वालों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? यह मसला सीधे सीधे समाज से जुड़ता है, आपसे जुड़ता है, और इसीलिए आपकी राय बेहद महत्वपूर्ण है। आज का बड़ा सवाल याद दिला दें, हमारा सवाल आपसे यह है, क्या हाजी अली दरगाह में महिलाओं के प्रवेश का विरोध करने वालों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? अगर आपका जवाब है हाँ तो HTP SPACE Y लिखिए, अगर आपका जवाब है नहीं तो HTP SPACE N लिखिए और अपनी राय 51818 पर भेज दीजिए। इसी तरह ट्विटर पर अपनी राय आप #HTP और #बदजुबान_हाजी इसके जरिए दे सकते हैं। आप IBN खबर के फेसबुक पेज और ट्विटर पेज पर भी अपनी राय शेयर कर सकते हैं, जिसको हम लगातार इसी शो में दिखाते रहेंगे। इसी मुद्दे पर बड़ी चर्चा के लिए जुड़ रही हैं इस वक्त भूमाता ब्रिगेड की प्रमुख तृप्ति देसाई। शिवसेना के नेता हाजी अराफात अभी तक शो पर नहीं जुड़े हैं और इसीलिए आपको एक खाली कुर्सी नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने ये कहा था कि चप्पल का प्रसाद एक महिला को वो देंगे, उसके बाद आज की बहस में उनका आना जरूरी था, लेकिन अभी तक तो ऐसा लगता है कि अपनी बात पर खुद ही शायद शर्मिंदा हो या अपना बचाव करने में अपने आप को सक्षम नहीं पाते हैं। अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं शिवसेना के नेता हाजी अराफात, और हमारी टीम को उन्होंने ये बताया है कि उनकी पत्नी ने कहा है दिन भर TV पे बैठे रहे, अब कुछ और चीजें भी कर लो। अब संभव है इसीलिए ना आए हो या कोई और कारण है, शिवसेना ने रोका ये हम नहीं जानते। हाजी अराफात से हम अभी भी रिक्वेस्ट करेंगे, इतनी बड़ी बात अगर आपने बोली है तो आप डिफेंड करने टीवी पर देश के सामने आ भी जाएं। बीजेपी के नेता शाजिया इल्मी हमारे साथ है और कांग्रेस की प्रवक्ता शोभा ओझा हमारे साथ जुड़ चुकी है। इस्लाम के जानकार डॉक्टर फहीम बेग अब से थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। सबसे पहले तृप्ति देसाई, पहली बार आपने ये बयान कब सुना
कि हाजी अराफात ने यह कहा है कि अगर आप बाकायदा मजार तक जाएंगी हाजी अली में और वहां छूने का उसे प्रयास करेंगी तो आपको चप्पल का प्रसाद मिलेगा। पहली बार आपने कब सुना, सुनकर कैसा लगा? कल रात को एक चैनल के माध्यम से मैंने ये सब सुना था और मुझे बहुत गलत लगा कि हाजी अराफात शेख जो है वो बहुत बड़े पार्टी शिवसेना के नेते हैं। शिवसेना ने कभी महिलाओं की इज्जत के ऊपर हाथ नहीं उठाया है और हाजी अराफात शेख ने जब कहा कि हम चप्पल से आपका प्रसाद देंगे, चप्पल से मारेंगे, तब मुझे ये लगा कि हम लोकतंत्र में रहते हैं, संविधान ने दिया हुआ अधिकार और हक जो है उसकी हम मांग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं महिलाओं को हक देने का अधिकार जो है वो छीना जा रहा है और उसके लिए इतना नीचे गिरकर हाजी अराफात शेख ऐसी बात कर रहे, ऐसी धमकी दे रहे, तो ये बहुत गलत लगा और इससे सिर्फ मेरा नहीं तो पूरे नारी शक्ति का जो है वो हाजी अराफात शेख ने अपमान किया हुआ है। और शिवसेना प्रमुख माननीय उद्धव साहब ठाकरे से मेरी विनती है कि ऐसे शिवसेना में अगर नेता हाजी अराफात शेख है तो उनके ऊपर सख्त से सख्त जो है वो कार्रवाई पार्टी की तरफ से होनी चाहिए। तृप्ति देसाई, एक बात बताएं कि इससे पहले आपने शनि शिंगणापुर में भी ये बात कही थी कि आप मंदिर के गर्भगृह तक जाएंगी और वही आपने त्र्यंबकेश्वर के मंदिर में भी कहा, तब भी आपको इस तरह की कमेंट सुनने को मिली? बहुत बार तो आपने देखा होगा शनि शिंगणापुर में भी मारपीट हुई थी, धक्का बुक्की हुई थी, लेकिन किसी ने ऐसा इतना नीचे गिरकर जो है वो कोई सेंटेंस नहीं किया था। लेकिन आज हाजी अराफात शेख ने जो सेंटेंस किया है ये नारी जाति का अपमान हुआ है। और वो अगर बोलते हैं कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई सम्मान करते हैं। और विचारों की लड़ाई विचारों से लड़ी जाती है। अगर हम जैसे प्रदर्शन कर रहे हैं धरना करके 28 को, वैसे वो विरोध भी कर सकते हैं। लोकतंत्र में सबको अधिकार है विरोध करने का भी, आंदोलन करने का भी, लेकिन अगर ये ऐसी भाषा और ऐसी धमकी देते हैं तो बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि ये कोई महिलाओं की इज्जत करते हैं। और इनकी जो भाषा है इसका जो परिणाम है वो शिवसेना को भी हो सकता है, क्योंकि शिवसेना पार्टी की इससे बदनामी हो रही है। आज संभव है कि हाजी अराफात कहीं बैठकर इस वक्त अपने आप को, आप जो बात कह रहे हैं वो सुन रहे हो, लेकिन जहां उनको होना चाहिए वहां नहीं है, इसीलिए उनकी खाली कुर्सी हमने आज कार्यक्रम में लगा रखी है। शोभा ओझा जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि जब आपने ये बयान सुना तो आपका पहला रिएक्शन क्या था? देखिए, जब मैंने ये बयान सुना तो सबसे पहला मेरा रिएक्शन था कि ये उस व्यक्ति के पुरुष प्रधान विचारधारा को दिखा रहा है, उस व्यक्ति की सोच, उसकी पार्टी की सोच को दर्शा रहा है। वो किस तरह से महिला को आज इस 21वीं शताब्दी में भी दोहरम दर्जे का नागरिक मानते हैं। हाईकोर्ट मुंबई ने जब बार बार इस बात को स्पष्ट कर दिया कि कानून के नज़र में, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन के नज़र में महिला और पुरुष में कोई फर्क नहीं है, तो आखिर ये धर्म के जो ठेकेदार बनते हैं ये कब तक का महिलाओं को वंचित रखेंगे उनके अधिकारों से? और मैं समझती हूँ, मैं बधाई देती हूँ तृप्ति देसाई और उनकी पूरी टीम को और तमाम महिला संगठनों को जो इस लड़ाई को लड़ रही हैं, क्योंकि इस देश ने कई ऐसे रीति रिवाज जो कि समय के साथ ये प्रूव हो गया कि उनके कोई मायने नहीं है, उनको दरकिनार किया है, चाहे वो विधवा पुनर्विवाह हो, चाहे मंदिरों को में प्रवेश वाली बात हो। आपको बताना चाहूँगी कि अंबेडकर जी ने 1930 में महिलाओं के मंदिर प्रवेश को लेकर आंदोलन किया था जिसमें 5,000 महिलाएं सम्मिलित हुई थी नासिक में। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आज 21वीं शताब्दी में भी इस देश की महिलाएं राइट टू वर्शिप को लेकर लड़ रही हैं, इससे दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है? और ऐसे व्यक्ति जो इस तरह के बयानबाजी करते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जाजे एलबी, एक बात यहां पर समझना जरूरी है, इसलिए मैं वो थोड़ा सा मेंशन भी कर दूं। शिवसेना की प्रवक्ता ने बाकायदा ये कहा है कि हाजी अराफात की अपनी राय है ये और शिवसेना की ये राय नहीं है। शिवसेना सोचती है कि सभी लोगों को बराबर का हक होना चाहिए पूजा में, महिला हो या पुरुष। क्या ये काफी है या फिर जैसा कि तृप्ति अभी कह रही थी, हाजी अराफात को शिवसेना को निकालना चाहिए?
देखिए, सबसे पहले तो हम इस शख्स को जिसकी इतनी हिंसक मानसिकता हो, जो महिलाओं को चप्पल मारने की बात कर रहा है, उसको हाजी ना कहें। हम बाकी सब हाजियों को बदनाम कर रहे हैं। सच में ये शर्म की बात है कि ऐसा इसे इंसान ने हज भी किया है, तो मैं इसको हाजी नहीं कहूंगी। जो भी ये हैं, इनसे बताया जाए कि ये थ्रेटन करेंगे या डराएंगे धमकाएंगे तो सबसे पहले जेल जाएंगे। किसी भी महिला या पुरुष को उससे धमकाना कि वो कहीं पे आएगा और अपनी बात रखेगा, आप चप्पल मारने की बात करेंगे या थप्पड़ मारने की बात करेंगे, तो वो हिंसा के दायरे में आता है। दूसरी बात, तृप्ति जी बहुत अच्छा काम कर रही हैं और ये महिलाओं को जोड़ रही हैं। इसमें हिंदू मुसलमान से मतलब नहीं, महिलाएं एकजुट होकर, बजाय ये सोचकर कि हम हिंदू हैं या मुसलमान हैं या हम किसी और वर्ग के हैं या वर्ण के हैं, हम महिलाएं मिलकर अपने अधिकारों के लिए आगे जा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। दरगाह ऐसी जगह, सालों साल से महिलाएं आती हैं, दुआ मांगती हैं, ये कि बुनियादी हक है। सोचिए, यानी कि आप अल्लाह ताला से, अपने ईश्वर से आप एक कायम करना चाह रहे हैं रिश्ता, और उसके लिए आप अलग अलग जगह जा रहे हैं और उसमें भी रोका जा रहा है। उसमें भी कुछ पुरुष प्रधान मानसिकता वाले, इस तरह के जो मैं गुंडे उनको बोलूंगी, वो बीच में आकर उनको रोक रहे हैं। हमें मुझे बहुत खुशी है कि आप, शोभा जी आप, तृप्ति आप सबने जिस तरह से एक होकर, हाजी अराफात ने जिस तरह से अपनी बात रखी थी, उसका आपने जमकर विरोध किया है, जो कि बहुत सारी महिलाओं के दिल की बात होगी आज। फहीम बेग साहब इस्लामी मामलों की जानकार है, हमारे साथ जुड़ सके। डॉक्टर फहीम बेग, एक बात बताएं, महिला मजार तक जाकर उसे छू नहीं सकती पूजा करने के लिए, ऐसा क्यों? क्या कुरान में या हदीस में ऐसी कोई बात कही गई है? देखिए, कब्रों पर जाना औरत का मना है। कुरान में है या हदीस में? जी, हदीस में। और मस्जिद में जा सकती हैं, नमाज अदा कर सकती हैं, उनके एक पर्दे का सिस्टम होता है। ऐसा हज में भी होता है, जब हज पे औरत जाती है तो उसके लिए नमाज का बाज़ाब्ता इंतज़ाम होता है पर्दे का, उसमें वह नमाज अदा करती हैं। मस्जिद में जाने में कोई रोक नहीं है, हाँ कब्र के ऊपर जाना वो ममनू है। और ऐसे में किसी महिला का इस तरह से, मैं समझता हूँ, हाईलाइट्स होना, क्यों, अभी तक तो वो शनि मंदिर तक ही वो महदूद था, उन्होंने सोचा कि शायद ये एक नया स्टंट करके मैं एक और दूसरे धर्म को जोड़कर अपने आप को इस तरह से हाईलाइट कर सकूं, तो मैं समझता हूं ये कहीं ना कहीं धर्म का अनादर है। और जो साहब जिन्होंने धमकी दी, मैं उनको भी कंडम करता हूं। औरत इस देश की, अराफात ने जो बात कही कि चप्पल का प्रसाद मिलेगा अगर मजार तक महिलाएं जाएंगी, ये बिल्कुल सरासर कंडम करते हैं। बिल्कुल सरासर कंडम करता हूं, क्योंकि औरत हमारी इज्जत है, चाहे वो हिंदू धर्म से हो या मुस्लिम धर्म से हो। इस देश की परंपरा है, संस्कृति है, इस्लाम की संस्कृति है कि औरत को इज्जत दी जाए, उसको अपने माथे पर बिठाया जाए और उसका सम्मान किया जाए। मगर हाजी अराफात जो भी कोई है, ये जैसा कि शाजिया ने कहा कि उनको हाजी कहना गलत है, मैं बिल्कुल कहूंगा नहीं, लेकिन एक मिनट, तृप्ति देसाई, जिस तरह की बात अभी अभी फहीम बेग साहब सुन रहे थे, मेरे ख्याल से आप हिंदू धर्म के कुछ लोगों से भी सुन चुकी हैं कि महिला को इतना ऊंचा स्थान दे दो कि वो बराबरी का हक ना मांगे, क्या आपको ऐसा लगता है? यहाँ पर ये भी है, जब हम शनि चिंगणापुर त्र्यंबकेश्वर का सबका जो आंदोलन कर रहे थे, तब यही हमारे लोगों से भी यही सुना कि जब महिलाएं आगे आ रही थी, जब महिलाएं रास्ते पे उतर रही थी, बराबरी का हक मांग रही थी, तो कहीं ना कहीं महिलाओं को नीचे दिखाना, हमारा आंदोलन को दबाने की कोशिश की गई, हमें धमकियां दी गई, हमें मारपीट की गई, तो कहीं ना कहीं महिला आगे आ रही है, अपना हक और अधिकार मांग रही है, तो ये पुरुषी मानसिकता जिनके पास है, ये लोग कहीं ना कहीं महिलाओं को रोकने के लिए ऐसे ये धमकी देते हैं। इससे कौन से अधिकार, है जो आपका वो प्रचंड हो जाएगा और आपको कौन सा वो अधिकार मिल जाएगा, जरा मुझे बताने का ये प्रयास करेंगी? बिल्कुल बिल्कुल बताऊंगी। संविधान ने जेंडर इक्वालिटी का अधिकार दिया है, और हाजी अली दरगाह के बारे में 2011 से पहले जो था वो मजार तक महिलाओं को प्रवेश था। 2011 के बाद जब ट्रस्टी बदल गए, उसके बाद उन्होंने ये पाबंदी लगाई है, और हाजी अली दरगाह के जो ट्रस्टी है वही माहिम दरगाह के ट्रस्टी है। हाजी अली दरगाह में एक जगह वो पाबंदी लगाते हैं और माहिम दरगाह में मजार तक महिलाएं जाके दर्शन लेती है, तो ये दरगाहों के जो ट्रस्टी है इनकी मनमानी चल रही है। महिलाओं के लिए यही नियम क्यों? और ये कोई परंपरा नहीं थी हाजी अली दरगाह की? 2011 तक अगर प्रवेश महिलाओं को था तो अचानक उन्होंने, देखिए, मजार तक जाने की किसी को भी इजाजत नहीं है, और उस मजार को छूने की या फातियां देने की, वहां पर जाकर अपना आदाब ताजीम करने की इजाजत सबको है, मगर एक महदूद दायरे में रहकर।
डॉक्टर फहीम बेग, शाजिया इल्मी यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं। शाजिया, एक चीज और जोड़ दूं आप बोले उससे पहले, मैं आ रहा हूँ आपके पास में। महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट से कहा कि हम कानून को लागू कर रहे हैं, और जिसने मंदिर में, शनि शिंगणापुर की बात हो रही थी, मैं पूजा करने से रोका, उसे 6 महीने की जेल भी हम दे सकते हैं। तो यहाँ पर सारे जो अलग अलग, चाहे मस्जिद हो, चाहे दरगाह हो, चाहे मंदिर हो, इसमें अलग अलग नियम तो नहीं हो सकते या होने चाहिए? शाजिया, नहीं नहीं अलग अलग नियमों की बात ही नहीं है। आप बताइए, जब 2011 तक बाकायदा औरतें जा रही थी, तब उनको क्यों नहीं याद आया? और जैसे ही ट्रस्टी बदले तो उन्होंने ये नियम सिर्फ हाजिरी दरगाह पर क्यों लगाया? मैं दोनों जगह पे जा चुकी हूँ, मैं मुंबई में दरगाह पे। देखिए, फिर आप बात को पूरा बताइए शादिया, कि वो जो है एक पूरा दायरा है, वहां तक आपको आज भी जाने की इजाजत है, मगर उसको क्रॉस करना, उसके मजार के करीब पहुंचना, ये ममनू है? नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत ये बात कही जा रही है। ऐसे बहुत से वहाबी सेक्ट हैं जो पुरुषों का भी जाना अलाउ नहीं करते, जहाँ दरगाह जाना ही नहीं अलाउड है वहाँ पे मर्दों का, तो उनकी बात ये एक अलग मसला है। स्कूल ऑफ थॉट जो है इस्लाम के, ये उनका मामला है, उसे आप यहाँ पर डिस्कस ना करें। बात हो रही है तृप्ति देसाई जैसी महिला की, जो जिस तरीके से उन्होंने, क्योंकि देखिए इस देश की विडंबना यह है कि आज सबसे सस्ता लोगों ने धर्म को समझ रखा है, चाहे वो राजनीतिक हो, और अब ये सोशल एक्टिविस्ट भी धर्म की आड़ लेकर अपने आप को हाईलाइट करना चाहते हैं। ये एक बड़ी सोचने की आज अवस्था है कि इसमें हम धर्म को क्यों आगे ला रहे हैं, और धर्म का हम इस तरीके से अनादर करके। देखिए, मैं एक मुसलमान हूँ, मगर उतना ही अदब मैं हिंदू धर्म का भी करता हूँ, उनके ग्रंथों का करता हूँ। तो इसमें ये धर्म को इतना सस्ता बनाकर आजकल जो प्रथा चल पड़ी है कि धर्म की आड़ में आप अपना को भी इंटरेस्ट है आपका, उसको आप फॉलो करना चाह रहे हैं, ये गलत है। आपकी बात पूरी सुन लीजिए, शाजिया जी आप बोले, मुझे बोलने दीजिए जी। नहीं, मैं अपनी बात बोलने दीजिए। देखिए, ये चालाकी आपने सुनी अभी भी, ये घबरा गए, मैंने कैसी बात कही, तो इनको जो है इस वक्त एक लगता है कि इसकी चीटियां रेंगने लगी। अभी मैंने क्या कहा, मैंने इनसे ये कहा कि कुछ दरगाहों में अगर आप वहाबी स्कूल ऑफ थॉट पढ़े, मर्दों को भी इजाजत नहीं है, तो ये डरे क्योंकि इस्लाम की बात आई, तो उन्होंने बात को चेंज किया और धर्म अनादर बाद में गुत्थी बनाई। तो ऐसे कई मुसलमान हैं जो पुरुषों के जाने को भी दरगाहों में इजाजत नहीं है, उसको भी बताएं। इजाजत अलग बात है, मना करना अलग बात है। ये बोल नहीं पाएंगे बेचारे, ये फंस गए इसीलिए बोल रहे हैं। तो इनसे कहा जाए कि कोई धर्म का अनादर नहीं है, अलग अलग सेक्ट है, अलग अलग सूफी अलग एक सोच है, हनफी अलग एक सोच है, वहाबी अलग एक सोच है, उस हिसाब से चलता है। ये अपना आइडियाज इसमें ना लगाएं, बहुत सालों से औरतें जा रही हैं, 2011 में कुछ ट्रस्टी बदले, बड़े मॉडर्न किस्म के वो ट्रस्टीज हैं, उनके बारे में भी बता दूं, उनके दिमाग में कुछ फितूर आया और माहे में उन्होंने लागू नहीं किया, ये बड़ा लॉजिकल सा सवाल है, तो इसे कॉम्प्लिकेट ना करें, इससे धर्म और आदर से कोई बात जुड़ी नहीं है, इसे झूठ-मूठ कॉम्प्लिकेट ना करें और सच्चाई से देखें असलियत, अपने गिरेबान में छाके देखें बजाय कि औरों को चुप कराएं। शोभा जी, शोभा ओझा जी, मैं आपसे भी समझना चाहूंगा, क्योंकि तृप्ति देसाई बिल्कुल साफ साफ कह रही है कि 28 तारीख को बाकायदा मजार तक जाएंगी और वहां जाकर पूजा करके वापस आएंगी, और साथ ही साथ शाजिया बिल्कुल साफ तौर पर कह रही है कि वो तृप्ति के साथ हैं। आपकी पार्टी कहां खड़ी है इस मामले में? आप डॉक्टर फहीम बेग के साथ हैं या तृप्ति देसाई के साथ हैं? देखिए आकाश जी, हमारी पार्टी ने डे वन से, जब ये आंदोलन शुरू हुआ था, तब से हम इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि हम महिलाओं के हक में खड़े हैं, महिलाओं के बराबरी की जो लड़ाई है, जो राइट टू वर्शिप है, उसमें हम तमाम उन महिला संगठनों के साथ खड़े हैं जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और जब हमारा कानून, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो फर्क नहीं करता, उसने डे वन से महिलाओं को बराबरी का हक दिया है, तो आखिर धर्म के ठेकेदार, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, हमें कब तक का रोकेंगे और क्यों उनके रोकने तो पर महिलाएं जिस दिन हाजी अली जा रही होगी तृप्ति देसाई, उस दिन बीजेपी भी पूरी तरह साथ में होगी, कांग्रेस भी पूरी तरह साथ में होगी, और डॉक्टर फहीम बेग जैसे लोग अकेले खड़े होंगे। ये बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं है, ये एक बहुत बुनियादी सी चीज है, देश के संविधान की बात है और एक महिला की इच्छा और अधिकार की बात है। इसमें ये हाजी जो बनते हैं, अपने को कहते हैं इस्लामी मामलों के जानकार, ये इस्लामी मामलों के जानकार भी नहीं है। औरतों का सबसे बड़ा दुश्मन आज की तारीख में कौन है, जरा बताएंगी? शाजिया इल्मी, आप जरा बताएंगी आज औरतों का सबसे बड़ा दुश्मन इस देश में आज कौन है? आपके दिमाग में क्या है वो शायद नहीं बता पाएंगी। खुद औरत,
आज तक जितनी भी दहेज के नाम पर औरतों को जलाया गया है 90% उसमें औरत कल्प्रिट है। आज तक जितने भी केस दर्ज हुए हैं दहेज के नाम पर उसमें भी औरत कल्प्रिट है। और सुन लीजिए, मर्दों के बीच में भी झगड़ा कराने में औरत कल्प्रिट है। आप बात करती हैं औरत के अधिकार की, पहले आप आपस में तो बात कीजिए। सास बहू की दुश्मन, बहू नंद की दुश्मन, नंद बहन की दुश्मन, ये इस तरह का से आपने जो एक सिलसिला बना रखा है औरतों ने, आप बात करती हैं मर्दों को हमेशा बुरा कहने की। सबसे बड़ी दुश्मन आज औरत की औरत है। और ये मैं अपने भी आप पे नहीं कह रहा हूँ, ये नेशनल क्राइम रिपोर्ट जो है वो बताती है कि अब तक जितने भी दहेज के मामलों में औरत को जलाया गया है उसमें जलाने वाली सबसे पहले तेल डालने वाली औरत है। हाँ, उसमें पुरुष भी है, पुरुष भी लड़ते हैं आपस में, पुरुष को भी वही उकसाती है, आपस में लड़ते हैं, पुरुष को भी वही उकसाती है। औरतें लड़ती हैं, घर में पूरा जो वर्चस्व है वो महिला का है। और मैं सब महिलाओं को नहीं कह रहा हूँ, उन महिलाओं को कह रहा हूँ जो अधिकारों की चीख चीख के बात करती हैं, दूर रखना चाहिए। तो जो अधिकारों के लिए बराबरी की बात नहीं कर रही है फहीम बेग साहब, हाँ शाहजी अपनी बात पूरी करें, आप पूरी करें। मैं कह रही हूँ इनकी जबान देखिए कि अधिकारों की बात करती हैं, जोर से बोलती हैं, इनका महिला विरोधी सोच, कोई भी महिला विरोधी सोच नहीं। और महिलाओं आप जैसी महिलाओं का महिलाओं की बात कर रहा हूँ मैं। क्या मतलब है आपका, क्या मतलब जो अधिकारों की बात करती है भाई साहब, जो अधिकारों की बात करती है टीवी चैनल्स पे आके बात करती है, या तृप्ति देसाई जैसी जिन्होंने बहुत सस्ता ये कंडा अपनाया, पहले एक धर्म के जाकर जो अनादर किया, फिर दूसरे धर्म का जाकर अनादर किया, मतलब क्या नहीं अनादर क्यों है? देश के कोर्ट ने सपोर्ट किया तृप्ति देसाई को। मैं एंकर से कहूंगी स्पेसिफाई करें कि मेरे जैसी औरत का मतलब क्या था इनका, इसे कहिए स्पेसिफाई करें, मैं चैलेंज करती हूँ उनको। अरे आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप राजनीतिक हैं, आप राजनीतिक हैं, आप अधिकारों की बात करती हैं, आप पहले अपने ही ग्रुप में अधिकारों की बात कीजिए ना महिलाओं से। घबरा गए, व्यक्तिगत हमले ना करें, मेरे पास समय समाप्त हो रहा है। लेकिन शाजिया आप सही कह रही हैं, व्यक्तिगत हमले का यहाँ कोई मतलब नहीं है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महिलाएं अपने अधिकारों के लिए लड़ रही हैं और तृप्ति इसको स्पीयर हेड कर रही है इस वक्त। और देश का मूड क्या है, सभी मेहमानों को धन्यवाद जरूर करना चाहूंगा, लेकिन रुक कर देखिएगा जरूर। हमने आज अपने दर्शकों से साफ साफ सवाल पूछा था कि हाजी अली दरगाह में महिलाओं के प्रवेश का विरोध करने वालों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हजारों की संख्या में मैसेज हमें मिले हैं, 85% दर्शक कह रहे हैं हाँ, जो रोके उसे सजा होनी चाहिए। सिर्फ 15% दर्शकों ने नहीं में जवाब दिया है। ट्विटर पर भी हमने यही सवाल पूछा था, सुबह से लगातार इस पर हमें जवाब आ रहे हैं, 80% दर्शक कह रहे हैं हाँ, जो दरगाह में महिलाओं के प्रवेश का विरोध करे उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ 20% दर्शकों ने नहीं में जवाब दिया है। सभी मेहमानों के लिए को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। हाजी अराफात हमारे साथ नहीं जुड़े, इस बात का हमें दुख भी है क्योंकि उन्होंने बड़ी ताल ठोक के अपनी बात कही थी, लेकिन अपने आप को डिफेंड करने वो यहां पर नहीं आ सके, देश के सामने नहीं आए। अब तो उनको शायद माफी मांग लेनी चाहिए क्योंकि वो डिफेंड करने को भी नहीं आ रहे हैं सामने। बहरहाल शाबाश इंडिया न्यूज पॉजिटिव शो, ब्रेक के बाद और रात 9 बजे जरूर देखें राम एक खोज।